जय हिंद। जापान में G7 शिखर सम्मेलन होने के बाद अब G20 शिखर सम्मेलन भारत के कश्मीर में होने वाला है। तो इस G20 शिखर सम्मेलन को रोकने के लिए पाकिस्तान ने एड़ी से लेकर चोटी तक जोर लगा दिया है, जितना हो सकता है उतना उसका विरोध किया है। उसने जितने भी देश हैं सबसे कहा है कि आप इस शिखर सम्मेलन में मत जाइए, लेकिन उसकी क्या औकात है? उसकी कोई मानता है भला? कोई नहीं मानता है। वही जो उसका एक दो खास देश है सिर्फ वही मानते हैं। मुझे तो नहीं लगता है कोई मानेगा भी। ये चाहे जितना भौंक ले, लेकिन इनका भौंकना व्यर्थ ही है। फिलहाल कोई भी देश इनकी बात को नहीं मानेगा। जो पाकिस्तान कश्मीर को अपना समझ रहा है, तो बेटा ये सपना आप छोड़ दो, ये सपना कभी आपका पूरा होने वाला नहीं है। ऐसी भ्रांतियां मत पालो कि हम कश्मीर को ले लेंगे। तो कश्मीर में हो रहे शिखर सम्मेलन में कुछ देश नहीं आने वाले हैं, जिनमें से चाइना एक है, क्योंकि वो उसका खास है, करीबी है। ऐसा लगता है कि चाइना नहीं आएगा। ये G20 शिखर सम्मेलन है, इसमें दो तीन देश हिस्सा नहीं ले रहे हैं कि एक नहीं आएगा तो इस पर कोई खास इफेक्ट पड़ेगा ना। वो एक दो नहीं आने ना, क्या फर्क पड़ता है? बाकी तो आएंगे ना, बाकी आएंगे। और जब कहीं ये अंत दूसरी जगह ये शिखर सम्मेलन होगा तो उसमें तो आएंगे ना। यहाँ कश्मीर में नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो पाकिस्तान के करीबी हैं, यार इसलिए वो कश्मीर में नहीं आ रहे हैं। तो जब दूसरी जगह होगा तो वहां पे आएंगे। इससे कश्मीर का क्या फायदा होने वाला है? कश्मीर का सबसे बड़ा फायदा होने वाला है क्योंकि वहां पर टूरिज्म बढ़ जाएगा, लोग उसके बारे में जानेंगे, कश्मीर को जानेंगे लोग, और वहां पर टूरिस्ट जितने हैं वो आएंगे, उसको विजिट करने आएंगे। कश्मीर को तो धरती का स्वर्ग कहा जाता है इस भारत का। तो उसी को लेने के लिए ये पाकिस्तान बड़े चाहता है कि हम इसको ले 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 ले। लेकिन भैया तुम्हारी ये नाकाम हरकत रहेगी हमेशा, इसमें कभी सक्सेस नहीं होगी। पाकिस्तान इस समय इतना निगेटिव एटीट्यूड वाला बन गया है कि जितना वो बन सकता था वो उतना ही निगेटिव एटीट्यूड वाला बन गया है। इस वक्त उसकी ऐसी हालत हो गई है ना कि जैसी एक पड़ोसी की रहती है। जैसे कि एक पड़ोसी अगर सफल हो रहा है, वो सफल हो गया, उसके पास बहुत अच्छी अच्छी कारें हैं, बंगला है, गाड़ी घोड़ा हर एक चीज है, उसके पास धन दौलत शोहरत है, और वही दूसरा जिसके पास कुछ नहीं है वो दूसरे के आश्रय पर जीवित है। जो अनसक्सेसफुल है वो सक्सेसफुल वाले को देखकर उसके अंदर जलन की भावना हो जाती है ना, ऐसी हालत हो गई है पाकिस्तान की। वो इंडिया की तरक्की को देखकर जल रहा है, वो सोच रहा है यार ये इंडिया कैसे बढ़ गया, हम नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये दुनिया की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला देश बन गया, कैसे हुआ है ये नजारा, कैसे हुआ है मुझे सीमा, इनको तो कोई यहाँ पे मेहनत कर, और तुम दूसरे के आश्रय पर पढ़ने वाले हो, सोच रहे हो कि हम भी बढ़ जाएंगे, कैसे बढ़ जाओगे? खुद को इस लायक बनाओ कि तुम भी आगे बढ़ सको ना। पाकिस्तान सभी देशों से खूब कहा है कि आप इंडिया मत जाइए, कश्मीर में जो शिखर सम्मेलन हो रहा है उसमें मत हिस्सा लीजिए, लेकिन उसका किसी भी देशों पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है। सारे देश आ रहे हैं और इस जी शिखर सम्मेलन को सफल बनाएंगे। इन सब चीजों को देखकर तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि हमारी औकात क्या है। पहले तो खुद को सुधारो, जो दूसरे के आश्रय पर जीवित रह रहे हो, खुद पर निर्भर बनो, शिक्षित बनो, मेहनत करो, अपने आप को उस लेवल पे लेके आओ कि तुम्हें कोई सहारा दे सके। अब तुम उसी की बुराई कर रहे हो, घुसपैठ कर रहे हो, तुम्हें कौन सहारा देगा? तो ऐसा ना करो, तुम भी मेहनत करो, तुम भी शिक्षित बनो, तुम भी चीजों को जानो, तो तुम भी एक दिन इस समित का हिस्सा बन सकते हो ना। तो मेहनत करो, खुद के अंदर इतना जज्बा लेके आओ कि हम किसी दूसरे देश में जो सम्मेलन हो रहा है उसमें भाग ले सके। इतनी औकात अपनी तो बना ही सकते हो कम से कम। G20 शिखर सम्मेलन कश्मीर में तो होके ही रहेगा। किसी भी परिंदे की इतनी औकात नहीं है कि वहां पर पर जमा सके, क्योंकि वहां पर हमारे वीर जवानों का पहरा है, वहां पर भारत माँ के वीर सपूतों का पहरा है। तो अगर परिंदा भी पर मारेगा तो उसको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। वहां पर हमारी सारी सेनाएं तैनात, हमेशा किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम है। अगर कोई परिंदा भूल कर भी पर मारने की बात छोड़ो, अगर देखने की भी कोशिश करेगा तो उसका क्या हाल होगा भगवान भी नहीं सोचे होंगे। जानते हो कौन है? मोदी है। इतना मारेगा कि चिल्ला भी नहीं पाओगे। आगे बढ़ना स्टार्ट तो करो, तुमसे तुम्हें धक्का देने के लिए कोई ना कोई आ जाएगा, लेकिन पहले स्टार्ट करो। ये जो घुसपैठे कर रहे हो इनको बंद करो, आतंकवाद खत्म करो, अपने आप को सक्षम बनाओ, उस लायक बनो। तुरंत नहीं बन सकते तो बनने की कोशिश तो करो कम से कम। जब बनने की कोशिश करोगे तभी तो आगे बढ़ पाओगे। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि आप भी सफल बने, आप भी एक दिन इस सम्मेलन का हिस्सा बने, और ये सारी नीची हरकतें करना बंद करो। आई होप पाकिस्तान ने किस प्रकार से एड़ी से चोटी तक का जोर लगाने के बावजूद भी कश्मीर में होने वाले इस G20 शिखर सम्मेलन को नहीं रोक पाएगा, तो समझ पाए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।